इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर करप्शन का सिस्टम नहीं है, नाम लफ्ज़ नहीं है, उसको हम बेजाबगियाँ कहते हैं। वो अब ये दो फिगर जो हैं वो मेरे लिए बड़े जो हैं, जिसे कहना चाहिए कि आई ओपनर हैं। ये जो इमदाद आई थी, ये जो जो, जो कर्ज लिया गया था, बस कुछ कर्ज भी हमने लिया था, एमरजेंसी कर्ज लिया था IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्याती बैंक से, यूरोपियन यूनियन ने भी हमें कुछ इमदाद दी थी इस हवाले से, और सो फार सो कि हमने अफगानिस्तान को नहीं बख्शा था। अफगानिस्तान से हम $5 मिलियन पकड़ लाए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने कबूल कर लिए थे। भाई इससे एक हाथ आगे, हमने फलस्तीनियों से भी पैसे पकड़ लिए थे कोरोना फाइटिंग के लिए। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम किस मुकाम तक गिरे हुए थे। दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी कुव्वत, और फलस्तीन से भी वो पैसे ले रही थी, एम्बुलेंसें नहीं थी उससे। तो ये सारे पैसे अगर इकट्ठे किए जाएं तो फिर भी मेरी जो कैलकुलेशन है उनके मुताबिक 1200 अरब रुपए नहीं बनते। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब कोरोना आया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1200 अरब रुपए का कोरोना पैकेज लॉन्च किया था। ये बोलते इतना ज़्यादा हैं कि जहनों से महव हो जाता है लोगों के। तो 1200 अरब रुपए का जो कोरोना पैकेज था वो सारे का सारा जो है वो बदनवानी या करप्शन की नज़र हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, जो पाकिस्तान का आइनी ओहदा है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का, सरकारी ख़जाने से जारी होने वाला हर पैसा उसने ऑडिट करना होता है और देखना होता है कि वो कानून, जाब्ते और आइन के मुताबिक खर्च हुआ है कि नहीं। वो कहते हैं कि वो खर्च नहीं हुआ। अब इसके ऊपर बहुत सारी दास्तानें हैं। हमने जहाज़ भर के अमेरिका को कोरोना के कुछ मास्क भिजवाए थे और कुछ टेस्ट किट्स भेजी थीं। कहा जाता है कि जो चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना को पता था कि हम ये बेच हम पैसे इधर उधर कर लेते हैं, तो उन्होंने अशिया भिजवाना शुरू कर दी थी। तो हमारी हुकूमत ने एक दफ़ा ही दी, उसके बाद कहा था कि जी हम तो अब खुद कफील हो गए, हम तो अब एक्सपोर्ट किया करेंगे। उसके बाद कोई एक मास्क भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जहाज़ भर के अमरीका को भी बेच आए हम। ठीक है, अब पता नहीं उसका कौन बेनिफिशियरी था। और उसके बाद कोई कंसाइनमेंट नहीं की, दुनिया के किसी मुल्क को नहीं गई, अमेरिका को तो छोड़ दें, वो चाइना से जो कुछ आया था वो हमने अमेरिका को बेच खाया था। ये जी भट्टी साहब, इसको वो जो रूल्स हैं पेपरा रूल, उससे मुस्तस्ना करार दिया गया था, तो फिर क्या ऑडिटर जनरल जो है वो इसका ऑडिट कर सकता है जी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया था कि एमरजेंसी सूरतेहाल है और हम तमाम रूल्स और रेगुलेशन जो हैं उनको एक साइड पे रख रहे हैं, और जो भी परचेज होगी, जहां से जो कुछ मिलेगा, जैसे मंगवाना होगा वो हम मंगवाएंगे। ये अगर आपको याद हो तो उनकी बाकायदा स्पीचेज हैं प्राइम मिनिस्टर की। पिछली दफ़ा जब कोरोना आया जनवरी, मैं आपको पिछली दफ़ा मार्च की बात बता रहा हूँ, मार्च में ये स्पीचेज प्राइम मिनिस्टर ने की और कुछ अप्रैल के अंदर। अच्छा, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये कि रूल से हटके, देखें अब फिर आप कहेंगे कि मतलब नहीं नहीं, रूल के मुताबिक कौन सी चल रही है, मुझे ये बताएं रिजवान रजी साहब। इसको तो चलें एक एक तरफ रखें, कौन सा काम है जो रूल्स के मुताबिक चल रहा है, रिंग रोड से लेकर जो है वो ये कोरोना की जो अभी तक भी जो जिस तरह से परचेजेज हो रही हैं, वैक्सीन कोई इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है। देखें, पार्लियामेंट का काम होता है इसको क्वेश्चन करना। मैं चार छह मोटी मोटी चीजें आपको बताता हूँ कि सीज फायर हुआ कश्मीर के ऊपर, बातचीत शुरू हुई, पार्लियामेंट कहाँ पर थी, बातचीत से मुराद ये कि चले बैकडोर रबते सही, तो ये पॉलिसी किसने इसकी अप्रूवल दी, किसी पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस हुई, ऑल पार्टी फोरम के ऊपर, किस जगह, कोई नहीं डिस्कस हुई। फिर ये कि ये किसको मालूम है कि कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, इस वक्त भी कौन सी वैक्सीन जो है वो कहाँ से आ रही है। एक आज जो चाइना ने भिजवाई वो
खेपें वो उनका पता है साहब को कि वो आई हैं और उसकी बकायदा रिलीज शिलीज जारी हुई है ISPR से कि चाइना ने कुछ गिफ्ट की थी और कुछ बाद में मेरे ख्याल इन्होंने सस्ते दामों परचेज की जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम पे। उसके अलावा आपको कोई पता चला हो कि कहीं पे कोई आई है स्पुटनिक की मेरे ख्याल 2 लाख अब आ रही हैं वैक्सीन, तो ये सारे वो मामलात हैं जिनको अब हम में रखा जाता है। और वजह देखें आपके पास 3-4 बैरियर्स होते हैं रिजवान रही साहब। पहला बैरियर होता है मीडिया का, मीडिया उसके ऊपर रिपोर्ट करता है, अब मीडिया को तो रिपोर्ट नहीं करने देना। दूसरा बैरियर होता है अदलिया का, अपोजिशन का, कि वो पार्लियामेंट के अंदर कमेटियों के अंदर इसके ऊपर शोर डालती है कि ये काम कैसे हुआ, इसके रूल रेगुलेशन क्या थे क्या नहीं थे। तीसरा बैरियर होता है अदलिया का, तो वो अपोजिशन जो है वो तो चोर है और वैसे भी मसरूफ है अपने केसों में, उसको तो ये है नहीं कि वो पूछे कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। फिर रह गया अदलिया के, उसके बाद जो है वो अदलिया ने इसके ऊपर सो मोटो लेने होते हैं कि इंसानी हकूक की कहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हुई, रूल रेगुलेशन जो है कहाँ पे बाईपास हुए, आइन की कहीं खिलाफ वर्जी तो नहीं हो गई। ये वो सारी चीजें हैं जो अदलिया ने देखनी होती हैं। अब जो हमारी अदलिया है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, वो गुजर नाले के ऊपर कराची वाले कितनी दफा कह चुकी है और क्या उसके ऊपर आगे पेशरफ हुई, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि गवर्नमेंट कितनी संजीदा लेती है चीजों को अदलिया की कही हुई। तो ये सारा जो माहौल है एक ऐसा कन्फ्यूजन इल्यूजन और डार्कनेस फैलाई गई है जिसमें सवाल करना जुर्म है। और अगर आप पूछेंगे कि ये काम कैसे हुआ, किस अप्रूवल से हुआ, किस फोरम के ऊपर डिस्कस हुआ, तो आप जो है वो वदार हैं, आपको गालियां देंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी और आपको जो है वो आपको तरह तरह के जो है वो बातें सुननी पड़ेंगी। तो फिर जो लोग बात कर रहे होते हैं रिजवान रही साहब, जो सेल्फ इंटरेस्ट से बालातर होकर चीज़ों के ऊपर जो है वो सर खपा रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, बद्दिल हो जाते हैं। वो कहते हैं लेकिन आज वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एक एक्सपर्टीज़ है, वो एक्सपर्ट हैं किस चीज़ के, भीख मांगने के या चंदा लेने के। भले वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में दुनिया के किसी भी देश से कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ऐसे एक्सपर्ट काफ़ी कम पाए जाते हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान से, मतलब सुन के भी आश्चर्यचकित हूँ मैं, अफ़गानिस्तान से $5 बिलियन ले चुके हैं ये, और फिर फिलिस्तीन से ले चुके हैं। मतलब ये कोई ऐसी मतलब फेक न्यूज़ नहीं है, ये पाकिस्तान का खुद रिपोर्टर बता रहा है। भले ही वो किसी लिए ली गई हो, मतलब आप समझ रहे हो कोरोना के लिए ही ली गई हो, लेकिन आप अफ़गानिस्तान और फिलिस्तीन से पैसा ले रहे हैं जो देश खुद, मतलब अफ़गानिस्तान तो आपको पता है सिचुएशन क्या है, गृह युद्ध है हमेशा, वो खुद बेचारे US से पैसे ले रहे हैं, यहाँ वहाँ से उनकी खुद की तो इतना कुछ पैसे का इनकम का सोर्स कोई है नहीं, तो समझ सकते हो आप दोस्तों। और फिलिस्तीन दुनिया का शायद सबसे छोटा मुस्लिम देश में से एक हो, जिसको मतलब अभी देख रहे हो आप किस तरीके से, अब तो खैर सीज़ फायर वॉलिशन हो गया है इसराइल के साथ, हालांकि फिलिस्तीन के 2 हिस्से हैं, जो एक हिस्सा है वेस्ट बैंक उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है नाटक, लेकिन जो गाज़ा वाला हिस्सा है वहाँ पर होता है, और गाज़ा के लोग पिटने के बाद अब सीज़ फायर जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब ये भी अच्छी चीज़ देखी आज, आप देख आपको शायद वो वीडियो मिलेंगे शाम तक, पाकिस्तानी मीडिया के भी मिलेंगे, कि गाज़ा के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा पिटने के बाद सेलिब्रेट करना, ये भी एक अलग तरीके का नशा है। तो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया के इस जर्नलिस्ट ने बताया कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उन्होंने बहुत सारे देशों से मतलब चंदा वसूला और उस चंदे को यहाँ वहाँ करके पता नहीं कहाँ कर दिया। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे देश बॉर्डर्स मतलब सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन कोविड केसेस केवल इंडिया बस में ज़्यादा है। तो ये भी एक थोड़ा सा मतलब थ्योरी है कि ना बांग्लादेश में केसेस हैं, ना पाकिस्तान में उस तरीके के केसेस हैं, श्रीलंका में हैं,
नेपाल में हालांकि अब केसेस आए हैं क्योंकि नेपाल आपको पता है इंडिया नेपाल का बॉर्डर कैसा है और नेपाल के लोग जो भारत में रहते थे वो शायद वापस गए हों तो वो कोरोना साथ में लेके गए हों। भूटान की सिचुएशन है, भूटान की 7.5 लाख की आबादी, भारत ने उसको पहले ही वैक्सीन दे दी थी, उन्होंने अपने आप सभी लोगों को वैक्सीन लगा दिया तो वहाँ कोरोना चांसेस थे ही नहीं। 7.5 लाख आबादी इतने तो शायद आपको भी पता है कि भारत में एक किसी ट्रेन में बिना टिकट के लोग सफ़र करते हैं, तो भूटान को हम इस कंपैरिजन में तो ला ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये भी एक मतलब एक अजीब सा फिनोमेना है कि भारत बस में केसेस और भारत के पड़ोसी देश में केस नहीं है, तो सभी जगह एक जैसा ही मौसम, एक जैसा ही लोग रहते हैं। तो ये आपको भी पता चलेगा कि चाइना ने जो अगर वायरस फैला है तो आने वाले समय में 10-20 साल बाद शायद हमें पता चले। तो पाकिस्तान एक लकी कंट्री है जहाँ पर कोविड केसेस इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोग इतना कुछ ना मास्क पहनते हैं, ऑब्वियसली इंडिया जैसे ही लोग हैं ना मास्क पहनेंगे ना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, SOPs वगैरह को किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि इंडिया में कोविड केसेस कम हो रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। पहली बार मतलब बड़े लंबे समय से जो 36 लाख का आंकड़ा था एक्टिव केसेस का, अब आज मतलब कल 29 लाख पहुंचा है वो आंकड़ा। रोज़ 1 लाख प्लस जो मतलब पॉजिटिव केस और नेगेटिव केस के बीच में डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख प्लस की रिकवरी हो रही है। इस तरीके से अगर कोविड केसेस कम होते गए तो डेफिनेटली हम अगले 15 तारीख तक, 15 जून तक केसेस के जो नंबर रहेंगे वो 3-4 लाख से भी कम हो जाएंगे। और अगर लोग मास्क वगैरह पहनते रहे और वैक्सीनेशन अगले 4-5 महीने में या 6 महीने में या इस साल के अंत तक हो गया तो डेफिनेटली इंडिया इस कोविड क्राइसिस से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सच हो और उम्मीद करते हैं ये कोविड क्राइसिस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग भी पागल हो गए हैं, घर में रह रहकर सब कुछ बंद है, सब कुछ नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत एक बुरा दौर है। और उम्मीद करते हैं, भगवान करे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी हम इस बुरे दौर से निकल जाएं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।